अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसे हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, ये उसका उल्ट है, यानी इनवर्स है। इन लैपलास ट्रांसफॉर्म की क्या डेफिनेशन थी? इफ़ एफ ऑफ टी इज़ गिवन, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ डिफाइंड बाय दिस फार्मूला। मीन्स लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस, एंड दैट इज़ इक्वल टू इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये तो था हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो अगर इसका हम रिवर्स कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम किसका फाइंड कर रहे हैं? एफ ऑफ टी का लैपलास फाइंड कर रहे हैं ना। तो अगर इनवर्स में हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, वो इनवर्स बन जाएगा ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एस। इसको लिखेंगे किस तरह? दैट लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी एफ ऑफ टी इनवर्स लैपलास आ गया ऑफ एफ ऑफ एस का। जस्ट लाइक हमने टी का लैपलास देखा था, दैट लैपलास ऑफ टी दैट इज़ इक्वल टू वन ओवर एस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू टी। ठीक है, सिंपल, आपने उसका जो है रिवर्स ले लेना है। और लैपलास ऑफ वन क्या था? दैट इज़ इक्वल टू वन ओवर एस। तो लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस किसके इक्वल होगा? वो वन के इक्वल होगा। या एक और एग्जाम्पल देख लें, दैट लैपलास ऑफ टी क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4। तो यहाँ से लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस पावर 4 किसके इक्वल होगा? टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हमने लैपलास इनवर्स लिया वन ओवर एस पावर 4, 3 फैक्टोरियल चूँकि कांस्टेंट था इसलिए हमने इसको इनवर्स के साथ नहीं लिखा है। जब ये लैपलास इनवर्स लेंगे तो दूसरी साइड पर आकर ये 3 फैक्टोरियल जो है क्या डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने फार्मूलाज किए थे, ये तो एक दो मैंने एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया। जैसे हमने लैपलास के फार्मूलाज किए थे उसके कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट उसमें एक फार्मूला था, दैट लैपलास ऑफ टी पावर एन दैट इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस वन। तो यहाँ से अगर हमें लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस पावर एन प्लस वन अगर फाइंड करना है, तो हम अगर हमें लैपलास ऑफ टी पावर एन पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस पावर एन प्लस वन दैट इज़ इक्वल टू टी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। यानी अगर आपको ये वाले सारे फार्मूलाज लैपलास के अगर आपको याद हैं तो लैपलास इनवर्स फाइंड करना कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल आपने उसका रिवर्स लेते जाना है। अब लैपलास ऑफ ई पावर ए टी वो किसके इक्वल था? वन ओवर एस माइनस ए के। तो यहाँ से लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस ए किसके इक्वल होगा? ई पावर ए टी के। और लैपलास ऑफ साइन ए टी दैट इज इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। सो लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू वन ओवर ए साइन ए टी। ए क्या था? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इसलिए हम इसको जो राइट साइड पे ले आएंगे तो वो टर्म जो है ए जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह लैपलास ऑफ कॉस ए टी दैट इज़ इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दैट इज़ इक्वल टू कॉस ए टी। सिमिलरली ये हाइपरबोलिक फंक्शन का लैपलास है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स। और ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या है हमें फाइंड करना है? दैट लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस टू। अब ये जो ऊपर गिवन फार्मूलाज हैं इनवर्स के, इनमें से देखें वन ओवर एस माइनस टू जो है वो कौन सी फॉर्म के साथ मैच कर रही है? एस माइनस टू है, ये सेकेंड टर्म के साथ मैच कर रही है। मीन्स यहाँ पर क्या है? वन ओवर एस माइनस ए। तो इस फंक्शन में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? वो टू है। और यहाँ से लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस ए किसके इक्वल था? एक्सपोनेंशियल ए टी के। तो सिंपल यहाँ से मैंने लिख दिया लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस टू दैट इज इक्वल टू ई पावर टू टी। या लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस प्लस थ्री अगर आपको फाइंड करना है तो इन सारी वैल्यूज़ के साथ मैच करें कि कौन सी वैल्यू के साथ बन रहा है, ये भी सेकंड के साथ बन रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? दैट इज़ माइनस थ्री। तो लैपलास इनवर्स क्या आ गया? ई पावर माइनस थ्री टी। अब यहाँ से देखें लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस पावर सिक्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर सिक्स एस पावर सिक्स जो है वो इस फॉर्मूले के साथ करस्पॉन्ड करेगा। यानी लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस किसके इक्वल आएगा? सम टी की पावर में कोई भी वैल्यू आएगी उसके इक्वल आएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे लैपलास हमें पता है कि लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस
पावर एन प्लस वन दैट इज़ इक्वल टू टी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे एन प्लस वन है, तो यहाँ पे मैंने इस एस पावर सिक्स को एन प्लस वन में कन्वर्ट किया है, तो सिक्स पावर है, तो ये अगर हम इसको एन प्लस वन के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, फाइव प्लस वन, तो अब हमें यहाँ से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस पावर फाइव प्लस वन दैट इज़ इक्वल टू टी पावर फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल, नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके okay? अब नेक्स्ट है इसमें लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर, एस स्क्वायर प्लस फोर, अब देखें ये किस टर्म के साथ मैच हो रही है, एस स्क्वायर है साथ में फोर है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे टू का स्क्वायर है, क्योंकि अगर आप यहाँ से मैच करें ये हमारे पास लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि फोर को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, अब ये सेम एग्जैक्ट उसके साथ मैच हो गया, तो यहाँ से मैंने लिख दिया दैट इज इक्वल टू वन ओवर ए, ए यहाँ पे क्या है टू है, तो वन ओवर टू साइन टू टी। नेक्स्ट इसमें देखें लैपलास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर माइनस नाइन, तो ये किसके इक्वल है, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर, और एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके साथ मैच हो रही है, इस वाले फॉर्मूले के साथ मैच हो रही है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया दैट इट इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थ्री टी, माइनस आ रहा है तो ये हाइपरबोलिक ये वाले फॉर्मूले के साथ मैच हो रही है। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जाम्पल है लैपलास इनवर्स ऑफ टू ओवर एस स्क्वायर माइनस नाइन, एस स्क्वायर माइनस नाइन मीन्स एस स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर किस टर्म के साथ मैच हो रही है, अब ऊपर क्या टर्म आ रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज़ टू, तो कॉस वाली टर्म तो बन ही नहीं सकती क्योंकि कॉस में ऊपर हमारे पास एस आता है, अब साइन वाली टर्म में देखो माइनस आ रहा है तो हाइपरबोलिक में आएगा, बट साइन में तो ऊपर वन आता है, ठीक है, तो वन लाने के लिए हमने क्या किया है, ये टू कांस्टेंट था उसको लैपलास इनवर्स से पहले लिख लिया, यहाँ पे टू लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, तो अब ये एग्जैक्ट ये वाली फॉर्म बन गई है, तो यहाँ से आ गया टू ओवर थ्री, ये टू जो था कॉन्स्टेंट था, और बाकी जो सारा हमारे पास क्या गया है लैपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। होपफुली इट विल बी क्लियर टू यू।